दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम है शिवा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल शिवा जी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में, व्हाट्सएप ट्रिक और व्हाट्सएप फीचर जो भी नया फीचर आया है वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप देखे होंगे कि कोई मैसेज करते हो तो वो मैसेज आप जो ट्रिक्स है जो फीचर अभी नया अपडेट हुआ है अगर आप उसको अलाउ करते हो तो अगर आप किसी को मैसेज करते हो कोई वीडियो कोई ऑडियो कुछ भी सेंड करते हो वो 7 दिन तक रहेगा। अगर आप उस ऑप्शन को आप अलाउ करते हो ऑप्शन को आप ऑन करते हो तो जिस किसी के आईडी पर जैसे कोई नंबर है आपका कोई दोस्त है उसके दोस्त के आईडी पर गया और उस ऑप्शन को आप अलाउ कर दिए तो अगर आप अलाउ कर देंगे तो अपना अलाउ करेंगे तो उसका भी ऑटोमेटिक अलाउ हो जाएगा। तो अगर आप अपना ऑफ करोगे तो उसका भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई मैसेज करते हो कोई ऑडियो कुछ भी सेंड करते हो आप वो सिर्फ 7 दिन के लिए रहेगा, फिर 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों ये कैसे ऑन करते हैं सेटिंग में हम जाकर आपको बताएंगे और कई सारे ट्रिक्स हैं आप कैसे डार्क मोड कर सकते हो। दोस्तों अगर व्हाट्सएप की वजह से आपकी जो स्पेस है जो जगह है वो फुल हो रही तो व्हाट्सएप डाटा मैनेजमेंट के ज़रिए आप वहाँ पे उसको आप मैनेज कर सकते हो। दोस्तों तो उसे कैसे करते हैं कैसे डिलीट करते हैं जो लार्ज फाइल है व्हाट्सएप से डायरेक्टली कैसे आप डिलीट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको जाना है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप हम ओपन करते हैं। तो व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पर आप क्लिक करना होगा, जो 3 लाइन है डॉट है इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप सेटिंग पे चले जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद आप अकाउंट पे जाइए। अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, हु कैन सी माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप अपना लास्ट सीन अगर हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो, नोबडी पर क्लिक करके हाइड हो जाएगी। अगर आप प्रोफाइल अपना हाइड करना चाहते छुपाना चाहते तो नोबडी पर क्लिक करके आप हाइड कर सकते हो। अबाउट को भी इस तरीके से आप अबाउट है या स्टेटस इस तरीके से आप ओनली से देख माई कॉन्टेक्ट जो भी आपके कॉन्टेक्ट में होगा सब देख सकते हैं। ये देखो ओनली शेयर विथ, अगर आप ओनली शेयर विथ पर क्लिक करेंगे किसको अगर जिस किसी को आप टिक मार करोगे वही आप देख सकते हैं बस। तो फिर यहाँ पे हम जाते फिर आ जाता है आपको ग्रुप पे, ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ग्रुप में मतलब कोई मुझे ऐड ना करे तो सिर्फ ये देखिए आप ये देखिए जिसको आप टिक करेंगे वही सिर्फ आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और कोई नहीं ऐड कर सकता है। तो ये देखिए फिर लाइव लोकेशन, यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह भी यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो लोकेशन। ये देखिए यहाँ ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो अगर किसी को आपने ब्लॉक किया है यहाँ पे दिख जाएगा वो। फिर आ जाता है यहाँ पे नीचे फिंगरप्रिंट लॉक, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक भी कर सकते हो। ये देखिए आफ्टर 1 मिनट आफ्टर 30 मिनट्स देखिए ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ से ये सेटिंग कर सकते हो। फिर आपको सिक्योरिटी पे चले जाइए, सिक्योरिटी शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन सिक्योरिटी शो करना चाहते हो तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, चलते अलाउ कर सकते हैं। फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का आ जाता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर एडेड सिक्योरिटी एनेबल टू 2 स्टेप वेरिफिकेशन विच रिक्वायर पिन वेयर रजिस्टरिंग योर फ़ोन नंबर विथ व्हाट्सएप अगेन, वेरिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ से अपना नंबर चेंज कर सकते हो, अगर आप दूसरे व्हाट्सएप पे देखिए जो व्हाट्सएप पे आप यूज़ कर रहे हैं अगर दूसरे नंबर से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ अकाउंट ये देखिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं खेलते हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ से डिलीट अकाउंट कर सकते हो दोस्तों। फिर आपको आ जाना चैट पे, चैट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले को देखिए थीम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सिस्टम डिफॉल्ट यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट मोड या नॉर्मल मोड लगा सकती है। देखिए नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये लाइट हो गया ये फिर डार्क हो गया तो हम डार्क ही रहने देते हैं। फिर ये देखिए इंटर सेंड, अगर आप इसे एनेबल करेंगे तो इंटर की विल सेंड योर मैसेज, अगर इंटर आप दबाएंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। मैसेज किसी कर रहे हैं मैसेज करेंगे आप सेंड इंटर करेंगे तो सेंड हो जाएगा मैसेज। फिर विजिबिलिटी मीडिया विजिबिलिटी शो
न्यूली डाउनलोड मीडिया इन योर फोन्स गैलरी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो अगर जो भी कोई शेयर करेगा आप देखेंगे, फिर वो खेलते फोन गैलरी में जाएगा। अगर इसे ऑन कर रखे तो जो भी आप देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, व्हाट्सएप पे जो भेजेगा वो डायरेक्ट गैलरी में चला जाएगा। या फिर आपको फ़ोन साइज मिल जाता है, यहाँ पर अपने फ़ोन साइज़ वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए, स्मॉल चाहिए या लार्ज मीडियम कुछ भी चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको मिल जाता है ऐप लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप बैकअप कर सकते हो जो भी डाटा है, यहाँ पे आप बैकअप कर सकते हो, गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। ये देखिए गूगल ड्राइव में भी सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बैकअप टू गूगल ड्राइव, अकाउंट अपना ऐड कर दीजिए, यहाँ से चूज अकाउंट, आप अपने अकाउंट में भी बैकअप कर सकते हो, यहाँ से गूगल ड्राइव में बैकअप कर सकते हो। तो मैं अपने अकाउंट ये कर लेता हूँ, बस सिलेक्ट कर लेता हूँ, कभी काम आया तो। ये देखिए मेरा अकाउंट हो गया यहाँ पे बैकअप अप ओवर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो, इंक्लूड वीडियो वगैरह भी है। फिर आपको जाना है, सॉरी, उसी में आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है, आप वॉलपेपर वगैरह भी सेट कर सकते हो, जो भी वॉलपेपर आप सेट कर सकते हो यहाँ से। फिर आपको जाना है नोटिफिकेशन, अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई मैसेज करता है नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो। देखिए कोई भी सॉन्ग हो, कोई मैसेज अगर आपने अलग से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। कोई अगर आपने डाउनलोड किया है तो कोई भी आप सेट कर सकते हो दोस्तों यहाँ से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है वाइब्रेशन का, वाइब्रेट यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट है, तो कोई मैसेज करेगा वाइब्रेट हो गया, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए सेटिंग। फिर आपको मिल जाता है लाइट, ये देखिए अगर आप चाहते, ये देखिए वाइट लाइट, यहाँ से इस तरीके से आप लाइट यहाँ पे कोई भी लाइट सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे ग्रुप नोटिफिकेशन, अगर जो ग्रुप आप ज्वाइन हुए हो उसमें का नोटिफिकेशन कैसा उसका अलग चाहते, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कोई भी। तो मेरा सेम वही सेट है जो पहले से। फिर वाइब्रेशन, यहाँ से आप देखिए शॉर्ट लॉन्ग ऑफ वाइब्रेशन, अगर कोई मैसेज करता है लॉन्ग वाइब्रेशन मतलब बजता ही रहेगा जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे। फिर यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, शो प्राइवेसी ऑफ नोटिफिकेशंस एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, यहाँ से हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ऑन है मेरा। फिर यहाँ पे कॉल के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉल के लिए, अगर आप कोई व्हाट्सएप कॉल करता है कि तो क्या मतलब, अगर आप कोई व्हाट्सएप कॉल करें तो सॉन्ग वगैरह अगर आप चाहते हैं कि बजे रिंगटोन, तो यहाँ से आप जो डाउनलोड किए वो सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाता है स्टोरेज एंड डाटा, स्टोरेज एंड डाटा, ये देखिए ये नया अपडेट आया है, ये मैनेज स्टोरेज। मैनेज स्टोरेज में अगर आपका जो भी, अगर आप फुल हो रहा है, भर रहा है, तो आप जो भी लार्ज फाइल है यहाँ से 5 MB तक जो भी फाइल लार्ज है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो आप कैसे डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए सिलेक्ट आर पर, क्लिक करने के बाद ये सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। तो मैं देखिए, अगर आप एक दो करना चाहते हो तो आप डिलीट कर दीजिए, ये देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। तो यहाँ से आप ये देखिए 33 MB यूज। तो यहाँ से अगर फुल हो रही जगह मीडिया, जो व्हाट्सएप मीडिया एंड ऐप्स एंड अदर आइटम्स, अगर यहाँ पे मैनेज करना है आपको स्टोरेज, तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए अगर आप किसी को कुछ लार्ज फाइल से सेंड किए तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से। फिर आपको यहाँ से मिल जाते हैं नेटवर्क यूज़, नेटवर्क ये देखिए कितना यूज़ किस में, स्टोरेज में कितना यूज़ हुआ है, मैसेज में यहाँ सारे पूरे इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर मीडिया ऑटो डाउनलोड, यहाँ पे व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा फोटो, ये देखिए व्हेन यूजिंग आप कब यूज़ करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वीडियो ऑडियो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फिर दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे हेल्प, क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से चलते हैं इसी व्हाट्सएप पे, और टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी जान सकते हो व्हाट्सएप की। इनवाइट फ्रेंड, अगर आप इनवाइट करना चाहते किसी को, इनवाइट यहाँ से कर सकते हो। ये आपको बार कोड भी यहाँ से, अगर ये देखिए आपका व्हाट्सएप बार कोड है, कोई आपको बार कोड स्कैन करके, अपना बार कोड स्कैन करके दूसरे में आप आईडी लॉग इन कर सकते हो दोस्तों इस तरीके से। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे एक और फीचर, यहाँ पे देखिए सर्च, ये देखिए अब सर्च कैसे आ रहा है, ये देखिए अब सर्च इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप सर्च कर सकते हो इस तरीके से दोस्तों।
तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अभी एक और अपडेट आने वाला है जो आप WhatsApp से पेमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। तो WhatsApp को अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो WhatsApp के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पे का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, कुछ दिन बाद आने वाला है, अब देखो कब तक आता। यहाँ से आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आए हुए, वीडियो पसंद आई हुई है और आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपके लिए कुछ मददगार हुई है, आप इससे कुछ नॉलेज मिला आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।